नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर नर्सिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर अप्लाइंग फॉर नर्सिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया इज टू गेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ नर्स, आइदर इट इज आरएन और एनईएन। तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे लोगे उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज बना रखी हैं। आप जाकर पहले यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोज़ देखें, और अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन आ गया है, आइदर इट इज़ अ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन या आपने कोई सर्टिफिकेट 3 कोर्स कर लिया है केयर की जॉब्स के लिए या डिसेबिलिटी की जॉब के लिए, उसके बाद के क्या स्टेप्स होंगे, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप है एक अच्छा रेज्यूमे। उस रेज्यूमे में हमें नॉर्मल एक सिंपल रेज्यूमे बनाना है, इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ 2 पेजेस, जिसमें आप सबसे पहले शुरू में आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल छोटा सा डालोगे। देन यू विल राइट योर क्वालिटीज़, देन यू विल टॉक अबाउट योर एजुकेशन, आपने कहाँ कहाँ से स्टडी की है, देन यू विल टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, और आपकी अगर कुछ प्लेसमेंट्स हुई हैं तो उनके बारे में बात कर सकते हो, और उसके बाद यू कैन कम ऑन टू योर रेफरेंसेज। रेफरेंसेज दोस्तों बोलें तो हम जहाँ आपने काम किया है या जहाँ आपकी प्लेसमेंट हुई है वहाँ से आप जो आपके सीनियर स्टाफ है जिनके साथ आप बड़ी कर रहे हो, बड़ी नर्स है जो आपकी, उनका रेफरेंस ले सकते हो, सो दैट इट कैन हेल्प इन फ्यूचर फॉर जॉब्स। इसमें होगा क्या कि जिसका आप रेफरेंस लोगे उनके पास कॉल आएगी एंड दे विल बी आस्किंग हाउ यू परफॉर्म्ड ओवर देयर। तो ये पहला स्टेप हो जाता है अपना रिज्यूमे बनाना। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एक कवर लेटर। इट विल बी अ काइंड ऑफ लेटर इन विच यू विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड व्हाट और व्हाई यू वांट टू जॉइन द न्यू कंपनी वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर। कुछ नहीं, एक आई वुड से 100 टू 200 वर्ड्स का एक लेटर, एक पेज पे आ जाएगा ये भी। और इनके दोनों के कवर लेटर और रिज्यूमे के टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। जो मुझे एक ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का मिला था टेम्पलेट वो है स्टडी एडलेड, या स्टडी एडलेड की वेबसाइट पे मिला था। उससे पहले लेकिन मेरी अपने भाई हैं इस आर से करण पुनिया, उनसे बात हुई थी, उन्होंने मेरे को सारा समझा दिया था, बिग थैंक्स टू हिम। तो आप वहाँ पे स्टडी एडलेड की वेबसाइट पे जाकर एक अच्छा सा रिज्यूमे और कवर लेटर का टेम्पलेट देख सकते हैं। तो जो मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ ये एज अ नर्स ही नहीं, साथ ही साथ आप एज अ नर्सिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट इन नर्सिंग, AIN, PCW, पर्सनल केयर वर्कर, या पर्सनल डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर, इन सब में भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग इज वंस यू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स देन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। मोस्टली जगह पे ऑनलाइन अप्लाई होगा। वो कैसे करोगे आप, वो सबसे पहले आपको सीक वेबसाइट होगी या पे इंडीड होगी जो मेजरली यूज़ होती हैं फॉर जॉब्स, वहाँ पर जाके अपना प्रोफाइल बनाओ एंड यू टाइप ऑन द की, टाइप अ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर या आरएन रजिस्टर्ड नर्स इन एडलेड। तो आपको उस जगह की काफ़ी रजिस्टर्ड नर्स की जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। यू हैव टू गो देयर एंड अप्लाई, पुट ऑल योर डिटेल्स। वो कभी कभार तो उसी सीक की वेबसाइट पे भी अप्लाई हो जाता है, पर समटाइम दे डायरेक्ट यू टू द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ दैट कंपनी या एज केयर या हॉस्पिटल, यू कैन अप्लाई थ्रू दैट सिस्टम। अब अगर आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं जैसे SA हेल्थ, साउथ ऑस्ट्रेलिया हेल्थ, उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है करियर्स का। करियर्स में आप जाते हो, आगे आप अपना कीवर्ड डालते हो जैसे यू आर लुकिंग फॉर नर्सिंग जॉब्स, आपको काफ़ी सारी आरएन की जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि इनको कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस चाहिए है या जो भी ऐसे रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब होती है वहाँ पे। आपको क्या सर्टिफिकेट चाहिएगा, मैं आपको कहूँगा कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में आते हैं सबसे पहले तो आते ही आप फर्स्ट एड, मैनुअल हैंडलिंग और CPR की, ये सब जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ये आप ज़रूर से ज़रूर करें क्योंकि मोस्टली जॉब्स में ये रिक्वायर्ड है। फिर जैसे ही आप वहाँ पर सब कुछ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद दिल चेक योर एप्लीकेशन, दिल व्यू इट। और सीक की एक अच्छी बात ये है कि कुछ जगह पर अगर आपने अप्लाई किया है सीक के थ्रू, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आती है कि आपकी एप्लीकेशन व्यू हुई की गई है अभी। सो यू माइट रिसीव कॉल, यू माइट रिसीव एन ईमेल, जनरली यहाँ पर ईमेल करते हैं। तो आपको ये और कहूँगा कि आपका एक अच्छा सा नॉर्मल सोफेस्टिकेटेड सा ईमेल बनाए, कुछ ऐसा जो हम शुरू में बना लेते हैं तो ऐसा कुछ ऐसा ना बनाए जैसे एक बार हमने बनाया हुआ था एक भाई का गॉड ऑफ बैड बॉयज, ऐसा कुछ ना बनाए, नॉर्मल आपके नाम के साथ एक ईमेल बना लें या आखिरी में कोई आपका एक नंबर रख लें, तो उसको आपका ऑफिशियल ईमेल आगे आप यूज़ करें। तो यू विल गेट एन ईमेल अबाउट द इंटरव्यू टाइमिंग्स,
या आप इस जॉब के लिए अब भी इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, एंड देन यू कैन गो एंड डू योर इंटरव्यू। उसमें इंटरव्यू के बाद वो आपसे आपके, अगर इफ़ यू आर बीइंग सिलेक्टेड, आपसे वो आपके रेफरेंसेस लेंगे, आपसे आपके सर्टिफिकेट्स लेंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग द जॉब। और मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू गेट अ जॉब, जस्ट यू नीड टू हैव सम पेशेंस। तो दोस्तों ये प्रोसेस है हाउ यू कैन अप्लाई फॉर नर्सिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आगे आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।